नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा। दोस्तों आज 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का फल सब्जियों का क्या कुछ बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है। लो दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ गेट नंबर 2 के पास, और ये जो लगातार मैं रोज बताता हूँ कि यहाँ पर जाम लगता है, ये है जाम के कारण। अभी जो ये 2 नंबर है और सामने चले जाएंगे आप, वो 3 नंबर गेट है जिसको पीर बाबा वाला बोलते हैं मेट्रो से आगे, और फिर शालीमार बाग वाला गेट है 4 नंबर 5 नंबर। यही हालात है चारों तरफ। यहाँ पर APMC क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, ये सारे के सारे जितने भी बंदे हैं ना, ये पढ़ पत्थर अनपढ़ सारे के सारे ऐसे बंदे हैं जी, रेडी रिक्शा वाले क्या हैं, गाड़ियां वाले भी, ये सब के सब जो है मोटी अकल के हैं। इनको जो है ना अकल सिखानी पड़ेगी, ये कारण है। दोस्तों जब वो परले वाली लाइन मंडी में बढ़ने के लिए घुसरी, फिर एक लाइन और लगेगी, वो देखो 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें बढ़ने के लिए है। और ये टेम्पो वाला इतना बदतमीज है, ये खड़ा जो अभी APMC वालों के साथ बोलने लग गया, लड़ने लग गया। इधर से भी रिक्शे घुस रही, इधर से भी जो अंदर से गाड़ी आएंगी उनको कहाँ रास्ता मिलेगा, अंदर से जो गाड़ी आने वाली उनको भी रास्ता नहीं है। और ये जो है मुख्य GT रोड करनाल का रोड है, ऊपर मेट्रो है, और ये देखो पीछे तक जो बसों की लाइन है, ट्रकों की लाइन है, जो बाहर जाने वाली दूसरी जगह जाने वाली सब के सब बंद हो गए। एक ये आधे गधा सड़ा है, ये टेम्पू वाला, इसने सारा का सारा रोड खराब कर दिया यहाँ पर आकर। 4 लाइनें 5 लाइनें चारों तरफ, कहां मरेगा अब तू, कहां जाएगा। इसके कारण जो है उनका भी जो है बेचारों का नुकसान हो रहा, जिसको आगे जानो कहीं पंजाब में हिमाचल में, ये मेन रोड है, मेन रोड सारी अपना जो है, इस पे बसें भी खड़ी, इन बसों को आगे जाना, किसी को पंजाब जाना, किसी को दिल्ली की लोकल बसें है, यहाँ 4-4, 5-5 वो रहे। यहाँ कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है, यहाँ जो है APMC के जो इन्होंने ये यहाँ गार्ड छोड़ रखे, इनका भी कोई कहना नहीं मानता जी। यहाँ पर सारे ये देखो, इधर से रोंग साइड से सारी की सारी रिक्शे आएंगी, रोंग साइड से सारी रिक्शे आती है, रोंग साइड से आकर ये और इधर से घुस जाएंगी। इसको रोज ये जाम के लिए बोलते हैं कि जाम दिखाओ, सारे का सारे क्या बोल रहे, एक लाइन इधर से चल गई। जब मंडी में सारे के सारे जाने वाले लड़ाई झगड़ा, तो अंदर कौन, अंदर से तो आने के लिए गाड़ियों का रास्ता ही नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर सारा का सारा उल्टा सिस्टम, बिल्कुल कोई कहने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। ये देखो 3 गाड़ियों की लाइन नहीं होगी, बड़ी गाड़ी है जो बाहर से आई, इसके अलावा रेडी रिक्शा भी इधर से गुजर रही, तो बाहर से उधर से गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी। इनको लाइन में चलाना चाहिए, तब ये जाम खुलेगा। मेन जाम का कारण ये खुद आप ही है जनता, इसमें APMC की कोई गलती नहीं है। मुझे बोलते हैं का APMC वाले पैसे लेते हैं, बहुत बंदे दिल्ली में बोलते हैं, मंडी में बोलते हैं कि APMC वाले धांधली कर रहे। भाई धांधली क्या कर रहे, ये जाने की लाइन है सिर्फ, ये जाने की लाइन है, ये आने की लाइन है, वो जो है सिर्फ रेडी रिक्शा के लिए आने की लाइन। इन्होंने तीनों लाइनों में जाने की, मंडी से गाड़ियां जब नहीं आएंगी तो जाम तो लगेगा ही ऑटोमेटिक अंदर। ये देखो सारे के सारे जाने वाले हैं यहाँ से, कोई आने वाला, रोक, कोई उधर से आने वाला कैसे आएगा, मंडी में इतनी गाड़ियों जाएंगी बाहर कैसे निकलेगा। और आने वालों का भी दिखाऊंगा, वो सारे के सारे जाम में फंसे खड़े होंगे। अब आया एक ऑटो, ये रेडी रिक्शा जा रही यहाँ से, कोई बाहर निकलने का इनका कोई रास्ता नहीं है, अब निकलना शुरू हुआ। और ये पीछे तक देखो मंडी में कितना जाम लग गया, मैं तो जो APMC बोर्ड के मेंबर हैं, चारों मेंबर हैं, इनको भी बोल लूंगा, और जो APMC अधिकारी हैं इनको भी बोल लूंगा कि यहाँ गेटों पे व्यवस्था चौकस कर लो, लाठ मारो, जो कि उल्टा है उसका चलान काटो, उसकी कमर में लाठ मारो, ऑटोमेटिक रास्ते सारे सुधर जाएंगे। देखो कहाँ से आएगा कोई, जब मंडी में से बाहर गाड़ियाँ लोड गाड़ियाँ बाहर ही नहीं जाएगी, तो सारी गाड़ियाँ मंडी में जमा हो जाएंगी, ऑटोमेटिक जाम लगेगा। और ये तीन तीन चार चार लाइनें जाने वालों की है, कोई आने का कोई कहीं से रास्ता नहीं है, गेट से ही सारा का सारा सिस्टम इन्होंने बेकार कर रखा, बिल्कुल गेट के पास से सारा सिस्टम गेट से बिगड़ा है। देखो कोई एक जगह है नहीं, कोई कहीं से रेडी घुसाएगा, कोई ऑटो घुसाएगा, कोई गाड़ी घुसाएगा, जो लाइन में चले मंडी में जाम ही लगता। ये 3 किलोमीटर लंबी मंडी है और 2.5-3 किलोमीटर चौड़ी लंबी मंडी है, इतनी बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी। और इसमें जितने भी ये चलाने वाले हैं, चाहे ई रिक्शा वाले चलाने वाले, ये ऑटो वाले, टेम्पो वाले,
रेडी वाले कोई भी है जी, बिल्कुल सारे का सारा अनपढ़ों वाली बात करते हैं। इनको कोई साइंस ही नहीं है चलाने की, गाड़ियां बांटने की, सब एक दूसरे से आगे होड़ लगी हुई है आगे निकालने की। नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का सब्जियों का क्या बाजार चला, आज के सब्जियों के क्या क्या रेट हैं। चलिए जानते हैं सन्नी भाई की दुकान पे, जैसे शिमला मिर्च की गाड़ी आई, शिमला मिर्च इंडेक्स, शिमला मिर्ची अचारी, शिमला मिर्च आती है अचारी वाली मिर्च, हरी तिक्खी मिर्ची, और इनके पास आती है दोस्तों फ्रांस बीन जो नासिक आती है, सेम फली, और ये अपना महाराष्ट्र की जो सांगली वाली शिमला मिर्ची है जी, और फूल गोभी, और इनके पास आता है दोस्तों चाइनीज खीरा, हाइब्रिड खीरा, सीडलेस खीरा और गुवार फली। चलिए जानते हैं आज के क्या कुछ बाजार चले, क्या क्या रेट में आज के सौदे हो रहे हैं। यहाँ पर शिमला मिर्च के सारे बंदे खड़े हैं जी, आते हैं यहाँ पर सन्नी भाई से जान लेंगे। नमस्कार भाई साहब जी, लो जी लो, माइक लग गया जी। वो विकास को बोला 110 हो जाएगा, 40-50 हो जाएगा, मतलब 160 डब्बा जाएगा गाड़ी के अंदर, बोलो। हाँ जी भाई साहब जी, आज का कैसा बाजार चला जी? सादा मारे सादे मारे करवा दियो। हाँ जी, कितनी गाड़ी है यार, आप देख ही रहे हो क्या है ये, देखो इनके चेहरे देखो। आज बाजार में तेजी आने का माहौल था, तेजी कहीं से दूर दूर दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा जी, ये मान के चलो माल भी मंडी के अंदर कोई इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आगे कहीं की डिमांड ही नहीं है। हाँ जी, इन्होंने उठा के लोडिंग करा था, लेकिन आगे कहीं भी उठाव नहीं आया। लग रहा था पंजाब में उठाव आएगा, क्या श्रीनगर का उठाव आएगा, जम्मू का उठाव आएगा, ना पंजाब का उठाव आया इतना, ना श्रीनगर ना जम्मू का। अच्छा जी, ये मान के चलो हिमाचल वाले माल मंडी के अंदर थे नहीं। हाँ जी, नासिक वाले माल मंडी के अंदर थे, नासिक वाली जो शिमला आई थी वो तो बिकी है मंडी के अंदर 25 रुपए से लेके 28 रुपए तक, नासिक वाली शिमला। अच्छा जी, नासिक वाली बीन आई है 10 रुपए किलो से लेके 30 रुपए किलो तक बिक रही है, जैसा माल वैसा बाजार। बोरियों में जो है, बोरियों के अंदर माल डैमेज बहुत हो रहा है, बरसात के गीले माल चले हैं, माल में नुकसान है आप देख रहे होंगे। अच्छा जी, 10 रुपए किलो से लेके 30 रुपए किलो तक नासिक वाली बीन बिक रही है। अच्छा जी, जो सांगली वाले मालों में, हाँ जी, ये सांगली वाले जो माल बिक रहे हैं 28 रुपए किलो से लेके 31 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, 28 से 31 रुपए किलो से लेके 31 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो बढ़िया सुपर लाल निकलता है वो 30-31, हल्के माल 27-28। अगर जी, माल में डैमी की शिकायत है, माल अगर काले पीले हैं तो 25-26-27। अच्छा जी, ये मंडी का मोल है, लेकिन उठाव इतना ज्यादा खास नहीं है, माल कोई मंडी में ज्यादा नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 15 गाड़ी होगी मंडी, 15 से 18 गाड़ी मानो मंडी, सिर्फ 18 गाड़ी है पूरी मंडी के अंदर। अच्छा, 18 गाड़ी के बाद भी माहौल नहीं आ रहा। आज देखो इनके चेहरे, देखो सबके, ये देखो इनके चेहरे, आपको बस मुरझाए हुए लग रहे हैं, ये सोच रहे कि मद्दा दे दे, मैं सोच रहा हूँ कि 1 रुपए तेज ले ले। अच्छा, यही खेल चल रहा है, इसके और कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, खेल 1 रुपए का चल रहा है, 2 रुपए का चल रहा है, और इनका मूड चल रहा है कि मुझे माल मिल जाए 25-26-27 के अंदर। हाँ जी, मेरा मूड चल रहा है कि माल ले ले मैं तो 30-31-32 के अंदर। अच्छा जी, उस तो बाजार बने, क्योंकि पीछे बाजार इतना टाइट कर दिया किसानों ने, 20-22 रुपए किलो पीछे बाजार का रहे हैं। अच्छा, जबकि किसानों को भी पता है कि इस भाव में पैसा कहीं नहीं बनता, और माल पीछे बरसाते हैं, बरसातों के गीले माल जाएंगे, मालों में डैमेज की शिकायत आएगी, नुकसान तब भी होगा। अच्छा, लेकिन लोडरों को भी चस्का चढ़ा हुआ है, पता नहीं कौन सा चस्का चढ़ा हुआ, कौन सी अफीम खा रखी है तुमने कि बढ़ाए जाओ, तेजी आएगी तेजी आएगी तेजी आएगी। अच्छा, कहां गई तेजी, दिखा रही है तेजी आएगी। आज का जी इंडेक्स का बाजार क्या बताया? इंडेक्स का जो बाजार चल रहा है वो चल रहा है 34-35 रुपए किलो का इंडेक्स का बाजार। अच्छा जी, और अचारी वो, और जो अचारी आई है अचारी 40-45 रुपए किलो। अच्छा जी, और आज का सीडलेस खीरा जी? सीडलेस खीरा 35 रुपए किलो बिका है, और अपना ये रतलाम वाला ये खीरा जो आया अपना इंदौर वाला, हाँ जी, खीरा ये हल्का है। हाँ जी, डाले में जो खीरा लगा हुआ ये हल्का, ये 14-15 रुपए के लपेटे में है। अच्छा जी, पीछे अगर खीरा बढ़िया निकलेगा तो 20 रुपए किलो की पोजीशन है खीरे की इंदौर की, क्योंकि अगर यही गाड़ी रात को 11-12 बजे लगती तो गाड़ी इज्जत से 20-22-25 रुपए तक क्लियर होती। ये अब लेट, गाड़ी लेट होगी, गाड़ी अब जाके लगी है, ये जाम ज्यादा है जी, जाम ज्यादा है, सबसे बड़ी बात है पीछे भी रस्ते में जाम है, रास्ते में बरसाते हैं, माल बरसातों के गीले आ रहे हैं, तो गाड़ियां तो उल्टी ऑलरेडी लेट जाए आएंगी आएंगी। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, ओके राणा। दोस्तों ये सन्नी भाई की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने दोस्तों स्पेशल शिमला मिर्च का और खीरे का काम है जी। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आर के एंड कंपनी पे आज का सब्जियों का क्या बाजार चला। भाई साहब के पास ये दोस्तों फ्रांस बीन आई, कहाँ की आई होगी दोस्तों, ये फ्रांस बीन की गाड़ी है इनके पास, ये फूल गोभी की गाड़ी, ये फूल गोभी की गाड़ी, घिया की गाड़ी, करेले की गाड़ी, और वैसे 12 महीने इनके पास मटर और फ्रांस बीन आपको मिलेगी ही मिलेगी। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी, बोली में आज के क्या कुछ रेट चले माल के, मटर का क्या रेट, अभी तो विशाल भाई यहाँ पर बैठे हैं, क्या बात, ये तो बोली की शुरुआत है जी, ये अब ख़त्म हो गई। सर जी नमस्कार जी, बहू जी आज का मटर का क्या बाजार चला जी, कितनी गाड़ी हैं जी? गाड़ी 6 गाड़ी थी।
मटर की जी, जी। अच्छा जी, ये सारी किन्नौर और लाहौल स्पीति जी। जी। अच्छा जी, आज के कैसे बाजार चले जी? 400 रुपए लेके 600 रुपए। 400 से 600 रुपए। और अभी क्या भाई साहब बोली के लिए बैठे? अभी बोली ये थोड़ा माल बच गया है। अच्छा जी, अच्छा, 400 मटर तो बढ़िया जी, ये बड़ी तो 400 से 600 रुपए दड़ी 5 किलो का रेट जी। और बाबू जी ये जो नासिक वाली है जी, ये फ्रांस बीन, हाँ जी, इसका क्या बाजार चल रहा है? 30 से 32 रुपए तक। 30 से 32 रुपए। आठ गाड़ी है, 20 रुपए से 32-35 रुपए तक। अच्छा जी, 8 गाड़ी जी नासिक की जी। जी अच्छा जी, और बाबू जी हिमाचल वाली का क्या बाजार चले जी? 30 से 50-60 रुपए तक बिकी है। जैसे माल है हल्के माल है 30-40, बढ़िया 50-60-70 भी बिक गई है। अच्छा जी, हिमाचल वाली क्वालिटी बढ़िया जी है? 30% माल बढ़िया है, वो 60-70 बिक रहे हैं, बाकी जैसे माल उसी हिसाब से बिक रहे हैं। अच्छा जी, जी। और बाबू जी आज का ये फूल गोभी का लाहौल स्पीति वाली जी है 25 से 30-32 रुपए का। 25 से 30-32 रुपए। अच्छा जी, अच्छा। और आज अपने पास पत्ता गोभी नहीं आई जी? नहीं, आज पत्ता गोभी नहीं आई। अच्छा जी, व्यापारी का मौसम मर गया था इसलिए उसने भरी नहीं। अच्छा जी, और ये सारी बिकनी पड़ी जी अभी फ्रांस बीन जी है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, 8 गाड़ी तो बहुत ज्यादा है, एक गाड़ी में 10 टन के करीब आता है जी हमारे लिए तकरीबन से बीन में। हाँ जी, 7-8 10 टन वाला। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों जानते हैं अमिंदर सिंह भाई जी की दुकान पे आज का सब्जियों का क्या कुछ रेट चला। तो भाई साहब जी जो है इंग्लिश वेजिटेबल बेचने लग गए, समझो अमिंदर सिंह जी भाई जी की दुकान पे जब भी कोई जुकनी वगैरह आ जाए ना, समझो उसका बेड़ा पार है जी, गया है तो बाजार। जब जुकनी अमिंदर सिंह भाई जी की दुकान पे आ ली तो सब लोग खेल खत्म है जी जुकनी का, तो पिछले साल भी ऐसे होता था। चलिए जानते हैं इनके पास, ये कुंदरू है, टिंडा है, करेला है, जुकनी है जी। सर जी नमस्कार जी, बाबू जी आज क्या क्या वैरायटी आई जी? ऐसे है, ये जुगनी है जो 25 रुपए किलो बिक रही है। 25 रुपए पीछे तो 50-60 रुपए चल रही थी जी। ऐसे है, ये बाहर से चल रही थी, अभी यहाँ की पकड़ नहीं हुई, आज पहले दिन आई है। अच्छा जी, इसलिए थोड़ा सा बाजार ढीला है, अभी सही हो जाएगा 2-4 दिन में। अच्छा, लोग बाहर से मंगानी बंद कर देंगे, यहाँ से ले रहे। अच्छा जी, और ये हरे हरे वाली जुगनी, हाँ ये भी अभी 1-2 दिन में चल जाएगी बलिया। ये कहाँ की आ रही है अब? ये राजस्थान शुरू होगी। ये तो बेजीबुन होने, कितनी बड़ी बड़ी छोटी होती है ना जुगनी? जुगनी तो छोटी होती है, सही आ जाएगी अभी 1-2 दिन में लेवल में। इसका हरे वाली का क्या बाजार है? यही है 20-25। हाँ जी, अच्छा जी, जुगनू कुंदरू 8 रुपए किलो, परवल 30 रुपए किलो। अच्छा, टिंडा बिका 95 रुपए किलो। टिंडा 95 रुपए? हाँ जी, जिसे कहते हैं गेम खेल लीजिए आज, ऐसे ही नया इलाका चलाओ, 95 रुपए किलो बिका। ये कहाँ का है जी? हाँ जी, कहाँ का है जी? ये लोकल है, हमारे यहाँ का यूपी का लोकल है। 95 रुपए किलो टिंडा जी। और जो कानपुर वाला आ रहा था जी, वो कानपुर वाला खत्म हो गया। अच्छा, खत्म हो गया जी। ये भी यहाँ सर जी देख लो, ये सब अस्ते है जी। अच्छा जी, हाँ जी, और कानपुर वाला खत्म हो लिया जी? हाँ जी। अच्छा जी, और ये आज का टिंडी का क्या बाजार चल रहा है? ये कचरी का चला 20 रुपए किलो। कचरी 20 रुपए किलो, और करेला चला 20-22। और घिया का बाजार बाबू जी? घिया मंदी है। अच्छा, अच्छा जी, हर भाव की। ये कौन सी घिया जी? ये तो कोई देसी घिया, देसी जी। अच्छा जी, बड़ी जबरदस्त घिया जी ये तो। हाँ जी। इसका क्या रेट चल रहा जी? ये चल रही है 5-6 रुपए किलो। 5-6 रुपए, मेरी देखने के पैसे हैं जी, बस सुंदर होनी चाहिए, चाहे हाँ खाने में कोई चीज स्वाद हो ना हो जी। हाँ जी, पर टिंडे ने तो आज नजारे बांध दिए जी। हाँ जी, अब 1-2 दिन में वो टिंडा ही टिंडा हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, चलिए धन्यवाद सर जी। मोबाइल नंबर जी? मेरा मोबाइल नंबर है 93-11-370-778। सभी किसान भाइयों को राम राम, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों जानते हैं श्याम लाल ठाकुर भाई साहब के पास आज का सब्जियों का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है भाई साहब के पास? तोरी, करेला, चूचू बैंगन, मोटा बैंगन, और टिंडा, और देसी खीरा। आज तो एक तेग ऐट में रख के बैठे जी भाई साहब, यहाँ पर नंबर वन की ऐट में जी, सारे बोरियों की बोरियां बैठे जी। सर जी नमस्कार जी। ओ नमस्कार जी राणा जी, बड़ी गारंटी दे रहे जी चक्कू से काटने की आज? माल बहुत बढ़िया, बरसात जो हुई थी ना, माल बढ़ने बढ़िया अब। अच्छा जी, जाने काना कुदर की शिकायत कोई नहीं है। अच्छा जी, कौन सा कंचन है जी? कंचन ही है जी, 850 रुपए, 800 रुपए बाजार है, 850-850 रुपए बोरी का जी। बोरी का वजन वही 28 किलो, वही 30 किलो, 28 किलो, 28 से 32 तक। अच्छा जी, कोई तोल के नहीं भर रहा है जी? नहीं, तोल के बिकता ही नहीं जी। अच्छा जी, और ये करेला जी है? ये करेला देखो बरसात में थोड़ा दागी बन हो गया, बरसात कल पड़ी है। अच्छा जी, करेले का जहाँ जो बिके रात को बिका है 20 रुपए। अच्छा जी, अब जैसे हल्का है 18 रुपए, 19 रुपए। और बढ़िया वाला टॉप करेला कहाँ है जी? करेला ये बिका है जी, हम लोग टॉप सुपर क्वालिटी 25 रुपए, 25 से ऊपर कोई करेला नहीं गया। अच्छा जी, अच्छा, और क्या माल आ रहा जी? पत्ता गोभी थी, पत्ता गोभी सारे बिक गए जी। पत्ता गोभी का क्या रहा जी? पत्ता गोभी बिकी है 700 से लेके 900 रुपए तक, 700 से 900 रुपए बोरी जी। हाँ, ये कल छांट के रखी थी। हाँ जी, ये 200 रुपए कट्टा जो पत्ता, जो कल की छांटी। इसके पत्ते तार के तो बढ़िया निकलेगी इसमें, पत्ता के नंगी होगी बिल्कुल। अच्छा जी, छिल गया, अब ये ले आएंगे चौमिन फोमिन वाले।
अच्छा जी, वो खड़ाएंगे सब वो लोग, मोमोज जो चौमिन खाते हो आप ना, अच्छा जी उसी में भरा जाएगा ये सारा। अच्छा जी अच्छा। और ये वाला ये चूचू बैंगन है, हाँ जी ये बिका 11 रुपए किलो, 10 रुपए 11 रुपए किलो, ये 10-11 रुपए किलो चूचू बैंगन जी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, और लंबे वाला बैंगन जी? लंबे वाला बिका जी आज 10 रुपए किलो। अच्छा जी, और ये देसी खीरा पड़ा जी यहाँ पर? देसी खीरा ये सब लोग 14 रुपए 15 रुपए किलो। ये कट्टो में आ रहा? जो कट्टो में कहाँ का है जी ये कट्टो वाला खीरा जी? ये सजानपुर का है। सजानपुर जी, अच्छा जी अच्छा, यानी बाजार ठीक ठाक चल रही जी आज तो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आज रौनक मेला है। अच्छा जी, रौनक मेला है, थोड़ा उठा हुआ है। अच्छा जी, बाकी देखो ऊपर वाला क्या करता है। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोबाइल नंबर जी? मोबाइल नंबर 9898-24-875, श्याम लाल ठाकुर। सब भाइयों को राम राम। राम राम जी। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का हरी तिखी मिर्ची का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। ये तो दोस्तों बुलडाना वाली क्या रेट चल रही जी, जैसी मिर्ची उसका दोस्तों वैसा रेट, क्योंकि अब मिर्ची में लालपन की शिकायत भी आने लगी। जो हरी मिर्ची है बढ़िया ताजी फ्रेश, उनके रेट अलग हैं जी। लाल वाली के ऐसे आती है जी गाड़ियों में डंडे लग। पहले 25 फिर 24 अब 22 है। लो जी अब 20 हो गए और दोबारा 20 रुपए। मैडम माया ने लीजिए 20 रुपए। बुलडाना वाली मैडम माया ने लीजिए बुलडाना। ये खराब बोरियां जी दोस्तों, जो नीचे गर्म हो जाती है, खराब हो जाती है, वो वाली बोरियां हैं। बढ़िया मिर्ची के तो बढ़िया रेट हैं जी। ये इंदौर वाली है, बुलडाना वाली है, और दूसरे इलाकों की है आज की। इधर पड़ोस में क्या रेट चल रहा है? बाहर पड़ोस में 24, 25। लो जी पड़ोस में 24 रुपए गई जी। ये पड़ोस में 24 रुपए गई बुलडाना वाली, ये बोरियां बुलडाना वाली 24 रुपए। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई। भाऊ जी आज कितनी गाड़ियों हो रही जी? भाई 25 के करीब गाड़ी है मंडी में। बोले बोले जी। हाँ इसमें 7-8 गाड़ी है नंदुरबार। अच्छा जी। 7-8 गाड़ी इंदौर है। हाँ जी। और 7-8 है इंदौर और 10 गाड़ी बुलडाना है। अच्छा जी। महाराष्ट्र। अच्छा जी, आज का बुलडाना का कहाँ से कहाँ तक का बाजार चले? बुलडाना 20-22 से लेके 30 रुपए तक बिकी है। अच्छा, जो माल बढ़िया थे और रात को 28-30 रुपए के बिके हैं, थोड़ी बहुत किसी की कत्ती बत्ती बिकी हो। अच्छा, जाफराबाद मिर्ची बढ़िया होती है। अच्छा जी। हाँ, और अब तो 20-24 रुपए ऐसे चल रहा जी। ये हल्की मिर्ची राखी लोगों ने है बुलडाना, ये बुलडाना है। अच्छा जी। और इंदौर बिकी है 20-22 से लेकर के 28 रुपए तक। अच्छा जी, इंदौर। अच्छा जी, जिसका जैसा माल है वैसे है। अच्छा, हमारे पास गाड़ी थी बहुत हल्की थी, ये वाली अटकनी हटा दी, गाड़ी चली गई। अच्छा जी। हाँ, वो 22 रुपए से लेकर 26-27 तक भी गई। और नंदूर बाहर क्या बताया जी? नंदूर बाहर 30 रुपए से लेकर 35 रुपए तक। वो क्वालिटी और बढ़िया जी? वो कुछ क्वालिटी, 4 गाड़ी बढ़िया थी, 3 गाड़ियों में शिकायत है। अच्छा जी। 3 गाड़ी 25 से 32 बिकी। अच्छा जी, और जो बढ़िया वाली का 30 से 35 रुपए तक। 35 नंदूरबार। ये तो फिर डाउन आ गया जी बाजार, माल जा रहे वाले बहुत ज्यादा है ना। अब ये दिल्ली के अंदर 25 गाड़ी तो यहाँ है, 8-9 गाड़ी गाजीपुर में है, यही तो दिल्ली है, 2-3 गाड़ी ओखला है। अच्छा, डायरेक्ट माल है, निकासी है नहीं कहीं भी, इसलिए डाउन है। आज ज्यादा माल होगा जी फिर ये? हाँ, माल ज्यादा है मार्केट में। अच्छा जी अच्छा, ये तो बाजार उठा उठाया ऐसा बढ़िया बाजार चल गया था जी एक बार। हाँ, एक दिन उस दिन वो शॉर्टेज थी, उस दिन माल कम थे, 14 गाड़ी थी उस दिन। हाँ जी हाँ जी, वह तो दोबारा बैठ गया जी, देखो कब तक उठेगा। इनको एक दिन का गैप रखना पड़ेगा, थोड़ा कम जाननी पड़ेगी जी। कौन गैप करे, किसान तो थोड़ा गैप का रखे। चलिए धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर जी? प्रदीप कुमार योगेश कुमार सैनी, A254 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। और मोबाइल नंबर? 93-130-53-187। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो जी दोस्तों, बिल्कुल मिर्ची की रिपोर्ट थी, इधर 20 रुपए तक गई थी, इधर 24 रुपए तक गई थी। थारी का पूरा मुकाबला चल रहा है, इधर से भी घंटा दिखा रहे, इधर से भी घंटा दिखा रहे जी। लो थारी का इधर भी बोली चली है और इधर भी बोली चली है जी, लगातार पूरा मुकाबला चल रहा जी, बोली का नजारे आ गए जी। मुकाबला चल रहा जी इधर बोली का दोनों पास, जब गाड़ियां ज्यादा है तो बोली चलती है जी दोस्तों। और आज कन्हैया लाल भाई साहब तो आज भी नहीं है जी। हाँ जी दोस्तों, धनिए की गई भैंस पानी में 50 रुपए से लेकर 70 रुपए किलो बिका जी आज, ये कह रहे 50 से लेकर 70 रुपए किलो जाए जी। हम
कल जो 100 रुपए के आसपास था जी, आज 50 से 70 रुपए किलो। दोस्तों मिर्ची ज्यादा है जी मंडी में, 25 गाड़ियां बहुत होती है, और गाड़ियां भी देखो कितनी कहां कितनी बड़ी आज बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां है जी, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां है जी, लंबी गाड़ी होती है, इनमें माल ज्यादा होता है। 25 गाड़ियां कहना भाऊ जी का, और दिल्ली की जो दूसरी मंडी है उनमें भी माल है। चौबीस रुपए गई जी, अब ये काटेंगे बोरी, काटे के बाद जो है ये मिर्ची बढ़िया निकली जी, ये मिर्ची बढ़िया निकली है बोरी। तीस रुपए जी, ये गई 30 रुपए, जैसा उसका वैसा रेट जी। लो जी एक और देखनी पड़ेगी, यहाँ तो एक और की बोली देखनी पड़ेगी क्या रेट चलेगा जी। अब एक और चली जी, ये भी दोस्तों 30 रुपए गई जी इनके भाई साहब के यहाँ पर। ये जो ऊपर की बोरियां आएंगी, ऊपर की उठी हुई बोरियां, ये बड़ी आ जाएगी, जो नीचे की दबी हुई बोरियां ये ऐसी बोरियां, ये वो ही रह जाएगी 20 रुपए, 22 रुपए, 25 रुपए, 24 रुपए। इसमें क्या नुकसान है भाई? दागी मिर्ची है, दागी कहाँ से आए? अच्छा गिल्ली हो गई। जो बड़ी ऊपर की बोरियां जी उनका रेट अलग जाता है, जो नीचे की दबी हुई बोरियां गर्म भी हो जाएंगी, लाल पीली भी हो जाएंगी। चलिए जी जानते हैं और सब्जियों का क्या बाजार चल रहा जी। वो सब्जियां इधर पूछें जो हरी सब्जियां आती हैं भाई साहब के यहाँ पर, ये तो फ्रांस बीन हिमाचल वाले शुद्ध हो गए जी। ये हरी अचारी मिर्ची हो गई लंबे वाली, ये भाई ने एक बार रेट बताया था, इसको इतने कोल आए हो कहा मैं तो सो भी नहीं सका कई दिन। लो जी बाऊ जी के पास आई झींगा तोरी, प्लेन तोरी, और इनके पास घिया क्या शानदार, और इनके पास आई दोस्तों सेमा, सेम फली सेमा, और जी इनके पास आई दोस्तों चचरिंडा घिया, और छत्ती किस्म की आइटमें। बाऊ जी नमस्कार जी, बाऊ जी आज का, लो जी पकड़ो जी आज का क्या क्या बाजार चला बाऊ जी? घिया का जो एक नंबर घी है उसका क्या बाजार चल रहा है जी? नंबर घिया जी 12-11 रुपए का है, 12 रुपए किलो के आसपास। और ये ऐसे वाली जी? ये 7-8 रुपए का, ये 7-8 रुपए। और ये सेमे का क्या रेट चल रहा? सेमा 18-20 रुपए, सेमा 18-20। छोटी सेम कितने दिन में आएगी? अभी लग जाएगी 15 दिन तो लग जाएंगे। अच्छा जी 15 दिन लग जाएंगे। और बाबू जी आज का जी ये झींगा तोरी, झींगा तोरी रात को 18 की बिकी है, अब ये 16-15 रुपए, रात को 18 रुपए अब 15-16 रुपए जी। अच्छा जी, और ये प्लेन वाली तोरी है नंबर वन की है जी? नहीं नहीं, हाँ जी मीडियम है ये, मीडियम। अच्छा मीडियम, इसका क्या बाजार चल रहा जी? ये 16 रुपए, हाँ जी। इसका क्या चल रहा जी? ये बढ़िया वाली जो नंबर एक की 17-18। अच्छा जी, ये 10-12, ये 10-12 जी। अच्छा जी, और क्या माल आ रहा जी अपने पास? बस यही चचेड़ा है। अच्छा जी, चचरिंडे का क्या बताया जी? चचेड़ा 12-13 रुपए, 12-13। और करेला वगैरह नहीं आ रहा जी अब आपके पास? आपके पास भी हरी सब्जी आती रहती है जी। चलिए धन्यवाद सर जी, मोबाइल नंबर बोल दो जी। मोबाइल नंबर 85-27-21-76-72। बहुत बहुत शुक्रिया जी, A243। धन्यवाद जी। लो जी यही A243 नंबर दुकान है, और A243 के बाद है मुन्ना कोल्ली भाई साहब जी यहाँ पर, जिनके पास ये अरबी का काम है, और A243 के पास ही यहाँ पर जो मिलेगा आपको पनीर मिलेगा, ये इनके पास यहाँ पनीर आता है, मैं घर के लिए भी पनीर यहीं से ले जाता हूँ भाई साहब के यहाँ से। नंबर वन का पनीर मिलेगा, टॉप क्वालिटी का, जैसा पनीर कोई लेना चाहे। ये पनीर मंडी है, ये सामने भी पनीर की दुकान है, इधर ये सारा माल बिकता है इन साइडों के नीचे। प्रचूर में किलो लो, 2 किलो लो, 3 किलो लो, 5 किलो लो, इंग्लिश वेजिटेबल। ये ए ब्लॉक का बाजार है, डी का सामने चला गया, वहाँ इंग्लिश वेजिटेबल ज़्यादा बिकती है। यहाँ हर किस्म का जो है माल मिलेगा, उनकी सप्लाई है पूरी दिल्ली में, ऑल ओवर में। आज के क्या क्या रेट चल रहे हैं? हाँ जी भाई साहब जी, क्या क्या रेट चल रहे हैं भाई साहब जी? पनीर के किस रेट से शुरू हो जाता है पनीर, और कहाँ तक का रेट है जी? 280-250 और 200 रुपये, 200 रुपए से लेकर 280 तक, बढ़िया वाला जी। और जो कोई आपका ऑर्डर यहाँ से बाहर भी जाता है, बाहर भी मंगवाते हैं पनीर को, इसको दिल्ली से बाहर भी जाता है पनीर? ये दिल्ली से बाहर बहुत जाता है,
कहाँ कहाँ तक जाते हैं आपका पनीर जी? सोनीपत, पानीपत। अच्छा जी, और जो फिर इसको यहाँ से ऐसे ही देहरादून तक जाते हैं जी, तो इसको बेचेंगे कैसे फिर यहाँ से? थर्माकोल में पैक होके जाता है। अच्छा, थर्माकोल में पैक। अपनी गाड़ी हो तो वैसे भी चला जाएगा। अच्छा जी, पन्नी में लग के दो, क्योंकि गाड़ी तो दो तीन घंटे में पहुंच जाएगी। हाँ जी, फिर दो तीन घंटे में तो कोई परेशानी। और जो कोई वैसे मंगाए ट्रांसपोर्ट से, फिर उसमें तो वो थर्माकोल में पैक होके, थर्माकोल में आइस लगा के, बर्फ लगा के जी। अच्छा जी, धन्यवाद। यदि किसी को मंगाना, और इसके अलावा क्या माल बेचते हो जी आप? पनीर है, मटर है, चाप है, खोया, क्रीम। उनके तो हर रोज अलग रेट होते हैं। उनके रोज के अलग रेट है। पनीर, खोया, चाप और ये मक्खन, और ये क्या जी इनमें? दही। दही, दही सारी आइट में। धन्यवाद भाई साहब। क्या नाम है जी अपना? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। और आपका मोबाइल नंबर, किसी को माल मंगाना हो जो है? लिखो 99 99 99 37 85 00। दोबारा बोल दो। 99 99 37 85 00। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को पनीर खिला रहे हैं और आपने आप सेब खा रहे जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। मेरी तो दुकान हो जी, मैं तो किलो दो किलो आप पेल जूं जी रोज का जी। चलिए जानते हैं मुन्ना कोल्ली भाई साहब से आज का क्या बाजार चला जी, आज की अरबी का क्या क्या रेट निकाला है इन्होंने, कहाँ वाली अरबी है जिनके पास क्या रेट बेची। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, आज के कैसे बाजार चले? नमस्कार नाना जी। बाजार में दो तीन दिन से बाजार में माल कम था, बारिश की वजह से। यूपी पूरी बारिश हो रही है। अच्छा जी, इसलिए बाजार अरबी के टाइट हो गए। आज थोड़ा माल आया है, दो दिन से तो माल ही नहीं आया था। कल तो माल बहुत ही ज्यादा, कल तो माल बहुत कम था दो दिन से। आज मंडी में अराइवल है कम से कम 10 गाड़ी की। अच्छा जी, और अरबी के बाजार 32 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो का बाजार है। ये देसी वाली जी, देसी भी लगा लो, पंजाब भी लगा लो, जैसी अरबी है वैसा भाव है। कम से कम अरबी का बाजार 30-32 रुपए किलो, 32 रुपए ऊपर से ऊपर 38 रुपए किलो। और जो खंडवाती थी अपने पास, खंडवा भी बारिश हो रही है पूरी, बहुत जबरदस्त बारिश है। अच्छा, कल गाड़ी चली है, अब एक गाड़ी कल पहुंचेगी मेरे पास। अच्छा, बाकी दो गाड़ी में देसी अरबी की, एक गाड़ी पंजाब की है। ये पंजाब है जी, पंजाब का बढ़िया माल का पोजीशन है जी, 35-36 रुपए किलो। अच्छा, हल्का माल का बाजार 32-33 रुपए किलो। तो पंजाब वाली यार, पंजाब में भी बरसात हुई? पंजाब में बारिश नहीं है जी, सिर्फ यूपी में बारिश। यूपी, एमपी, हर जगह बारिश है। अच्छा, खाली पंजाब में बारिश नहीं है। ये जो आपके पास चंदोसी, बसोली, इन ये जी सब जगह बारिश है, बहुत बारिश है। अच्छा जी, आज माल आया है, लेकिन माल मतलब गीला माल आया है, खेतों में पानी भरा पड़ा है। आज का थोड़ा माल खुदा है, कल और माल खुदेगा, अब दे बजाय माल बढ़ जाएगा। अच्छा जी, और फिर बाजार टाइट ही रहेगा, अरबी का बाजार कम नहीं होगा, क्योंकि अरबी हर जगह कम है इस साल। धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल? लाला अमरदास पूरन चंद कोहली एंड कंपनी, मुन्ना कोहली, 9818021001। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वाह जी वाह, धन्यवाद भाई साहब जी। ये जी दोस्तों, इनकी दुकान का एड्रेस है जी, और भाई साहब का ये मोबाइल नंबर है जी। इनका 12 महीने दोस्तों अरबी का काम है, और राजू कोहली भाई साहब के पास आप 12 महीने कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी की भी सप्लाई के अदरक के लिए कॉल कर सकते हैं। इनका जो 12 महीने अदरक का काम है जी, कहीं भी आप हिंदुस्तान में गाड़ी मंगवा सकते हैं, बेच सकते हैं, भेज सकते हैं जी, राजू कोहली भाई साहब। तो पत्ता गोभी का बाजार चल रहा है दोस्तों आज का, 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये, जैसे जिसकी क्वालिटी का वजन वैसे 1000 1100 रुपये पत्ता गोभी। जिनमें 40-45 किलो आता है वो 800-900 के भी मिल जाएंगे, बाकी 60 किलो वाली का 1000 1100 रुपये पत्ता गोभी। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास आज का चुकंदर का क्या बाजार चला, चुकंदर है और कुंदरू है इनके पास, आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब बड़े दिन के बाद चमके थे जी। जी सर, गाँव गए थे जी। हाँ जी। अच्छा जी, आज का चुकंदर का क्या बाजार चल रहा है जी? सर आज का चुकंदर बिक रहा 18 से 20। ये इंदौर? इंदौर सर। और मथुरा वाला, यूपी वाला जी? सर यूपी वाला तो बिक रहा है, बढ़िया माल है तो 14-15 रुपए बढ़िया माल। अच्छा, नया भी आने लगा? अभी नया नहीं, अभी पुराना ही आ रहा है स्टोर का। स्टोर का जी। अच्छा जी, और कुंदरू का बाजार जी है? कुंदरू सर बिक रहा 8 से 10। 8 से 10 रुपए। चलिए धन्यवाद भाई साहब। और नहीं कुछ आ रहा अपने पास अभी? मक्की वगैरह ऐसे मक्का नहीं आ रहा, मक्का। मोबाइल नंबर भाई साहब जी? GLS D433-8876-99-6195 सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों जान लेंगे आज का बंगाली सब्जियों का क्या बाजार चला। भाई साहब के पास ये ककोड़ा है दोस्तों, ये ककोड़ा वो छोटे वाला ककोड़ा होता है जो ये वाला। चलिए जानते हैं आज का ककोड़े का पिट्ठा, बंगाली बैंगन और बंगाली आइटम है भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी, क्या क्या नई आइटम हुई बंगाली आइटमों में, नई आइटम क्या शुरुआत हुई जी? भाव जी ये देखो, ये मीठे वाला अमरा है, अमरा खट्टा तो देखा होगा, ये मीठे वाला है, मीठा। इसका साइज भी बड़ा होता है। अच्छा जी, अचार पड़ता है जिसका? हाँ जी, अचार भी बनता है, इसकी सब्जी भी बनाते हैं। ये मीठे वाला होता है, ये खाने में मीठा लगेगा? मीठा है, जैसे आम होता है ना। अच्छा जी, वैसे लगता है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, आमरे का क्या बाजार चल रहा है जिसका? ये 35-40 का बाजार है जी। और जो खट्टे वाला होता है वो खट्टे वाला? उसका 15-15 का बाजार है। अच्छा जी, अच्छा। और ये बंगाली बैंगन?
बंगाली बैंगन भाव जी 10-12 रुपए का बाजार चल रहा है। अच्छा जी, और मिठाई वाला पेठा जी? मिठाई वाला पेठा भाव जी 12-15 रुपए का बाजार। और जूस वाला? जूस वाले का ही कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, क्या मिठाई बनाओ? हाँ, वही है, मोटे दाने 1 आधा रुपए का, मैं छोटा 1 आधा तेज। अच्छा जी, हाँ जी। और ये ककोड़ा भाई साहब, छोटे वाला ककोड़ा भाव जी आज 45-50 का बाजार चला है। 45-50 रुपए का ककोड़े का जी? हाँ जी। अच्छा जी, और इसमें क्या नई आइटम आई जी? और भाव जी थोड़ा बंगाली आइटम आया था, लत्ती वगैरह आई थी। अच्छा जी, बंगाली आइटम चकोतरा आया था। हाँ जी, चकोतरे का क्या बाजार चल रहा है? चकोतरे का भाव जी 500-600 बाजार चला है। 500-600 कट्टे का? अच्छा, 35-40 किलो का बंदा चल रहा जी। आ रही है भाव जी, ऐसे ही बिकता है। अच्छा जी, हाँ जी, ये इतना ही बाजार चलता है इसका। अच्छा जी, और ये जो पानी कोच्चू है जी, ये 800 रुपए गड्डी है भाई। 800 रुपए? हाँ जी। और चुई वगैरह आने लग गई है? हाँ, चुई वगैरह चालू हो गई है। अच्छा जी, वो 450-450 रुपए किलो बिकी है। किलो बिक रही है? अच्छा जी, अच्छा। अब बंगाली आइटमों का सीजन चल चुका जी? हाँ जी, अब रेगुलर है जी। अच्छा जी, चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब। और ककोड़ा कितनी मात्रा में बिक रहा जी आजकल? ककोड़ा भाव जी 100-125 ना आया था आज। अच्छा, बिक जाते हैं जी ये छोटे वाला? हाँ, बिक जाता है। अच्छा, बड़े वाला नहीं बेचते आप ये? बड़े वाला नहीं बेचते भाव जी, हमारा ये छोटे वाला है। अच्छा, कहाँ का आता है ये? ये भाव जी नैनीताल का आता है। नैनीताल, हल्द्वानी? नैनीताल, राजस्थान का आता था, वो दूसरा है, वो बंद हो गया अब। अच्छा जी, हाँ जी भाई साहब जी, दुकान का एड्रेस और मोबाइल नंबर? 408, मोबाइल नंबर 9599407197। सन्नी नाम है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये दोस्तों जान लेंगे मूली गज्जर वाले किसान साइड में आज का साग सब्जियों का क्या बाजार चला है। यहाँ साग आता है भाई साहब के पास, ये सारे के सारे बेचते हैं यहाँ पर। यहाँ 5 किलो भी, 2 किलो भी, 3 किलो भी, 7 किलो भी। चलिए जानते हैं राजू भाई साहब से आज के क्या रेट चले जी। नमस्कार भाई साहब जी। राजू भाई साहब जी, आज के पालक के क्या बाजार चल रहे जी? पालक चल रहा है जी 20-22 रुपए किलो। 20-22 रुपए किलो पालक जी है। और सरसों जी है? सरसों चल रही है जी 20 रुपए किलो। अच्छा जी, और हरी चलाई भाई साहब जी? हरी चलाई चल रही है जी 15-16 रुपए किलो। और लाल चलाई जी? लाल चलाई 20 रुपए किलो। और करमी का साग? करमी चल रही है जी 15 रुपए किलो। अच्छा जी, और पोई का साग जी? पोई चल रही है 20-25 रुपए किलो। अच्छा जी, और ये सोया भाई साहब? सोया सोया चल रहा है जी 80-100 रुपए किलो। अच्छा जी, मेथी भी आने लगी है अब मंडी में? हाँ, मेथी आ रही है जी। मेथी का क्या बाजार चल रहा है जी? बढ़िया वाली का? बढ़िया वाली मेथी चल रही है जी 50-60 रुपए किलो। बढ़िया वाली 50-60 रुपए की जी। और क्या चीज़ है जी जहाँ महंगी जी? फिलहाल तो यही है जी। और वो छोटा छोटा लाल सलगम आता है? वो लाल सलगम चल रहा है जी, वो 30-40 रुपए किलो। 30-40 रुपए किलो? हाँ, बढ़िया वाला। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर बोल रहे हैं? 99-53-56-16-7। बहुत बहुत शुक्रिया। लो जी, ये भाई साहब यहाँ पर साग सब्जी बेचते हैं। कई बार ये भी भाई साहब रेट बताते हैं जी हमको। ये सारे बढ़िया बंदे हैं जी। यहाँ घर के लिए आपको 5 गुच्छी भी मिल जाएगी, 2 भी मिल जाएगी, 7 भी मिल जाएगी और पूरी पोट भी मिल जाएगी बेचने के लिए। ये साग सब्जी बस यहीं बिकती है मूली गाजर वाले किसान साइड में, शुरुआत में बढ़ते ही यहाँ पर। चलिए जान लेंगे और सब्जियों का आज का क्या कुछ बाजार चला, यहाँ पर कौन कौन सी पार्टी है जी। हरी किशन, जय किशन सैनी जी तो है नहीं, उनके लड़के बैठे जी, इनको तो पता ही कहीं का नहीं जी। चलिए जी, इधर जानेंगे भाई साहब के पास, जो लोकल सब्जियाँ आती हैं क्या कुछ बाजार चला। एक भाई तो बहुत अच्छे बंदे थे जी, वो तो जा लिए जी ऊपर, क्या करा जी, उनका दिली जा लिया, दिली नहीं है। और इन भाई साहब के पास ये लोकल सब्जियाँ आती हैं, आज का क्या बाजार चल रहा जी। पहलवान भाई साहब के यहाँ हाँ जी। नमस्कार पहलवान भाई साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब जी, सींग वाली बड़ी भिंडी का क्या बाजार जी? ये 5-6 रुपए से। ये 5-6? और जो कली नंबर वन की, कली कली ये 18-20 रुपए। अच्छा जी, और लोकल चीज क्या रही जी लोकल में? मिर्ची गिया। मिर्ची गिया, गिया का क्या रेट चल रहा है लोकल गिया? ये नहीं है बढ़िया, लोकल गिया 400 रुपए दी है। पन्नी जी? पन्नी बढ़िया पन्नी। वजन कितना जिसमें? वही 28-30 किलो। 28-30 किलो। और हरी मिर्ची तिखी है? हरी मिर्ची कल तो दी थी 35-36। अच्छा जी, लोकल में। आज मंदी है जी? अभी है नहीं आज। अच्छा जी, और कोई सामान नहीं? खीरा खूरा कुछ नहीं? नहीं, कोई नहीं। और देसी खीरा कब चलेगा जी आपका? चल गया ये चल रहा है, ताजी मार है। उसका क्या रेट भी? 800-900 रुपए पल्ला। 800-900 का पल्ला। और वजन कितना जी? 40-45 किलो। यानी ताजी का दोपहर बाद की मंडी में जी? देसी है जी, प्योर? बिल्कुल प्योर देसी। अच्छा जी, चलिए धन्यवाद भाई साहब जी। बोलिए लो जी, ताजे वाला खीरा जो देसी खीरा होता है पल्ले में, वो खाने का जी बड़ा जबरदस्त, सोनीपत पानी पत का, वो 800-900 रुपए का पल्ला जा रहा जी। जितना भी पल्ले या पोट आती है 35-40 किलो का वजन जी। और यहीं पर आता है भाई साहब के पास ये अपना मूली। चलिए जानते हैं आज का मूली का कहाँ क्या बाजार चला। कहाँ गए भाई साहब वो मूली वाले, किधर जा लिए जी? है नहीं जी,
मूली वाले तो आई नहीं भाई यहाँ पर, वो मूली बेचते हैं भाई साहब, उनका 12 महीने मूली का ही काम है जी। मक्की भी नहीं आ रही जी यहाँ पर। लो जी एक राउंड मक्की का देख कर आना पड़ेगा, मक्की की काफ़ी डिमांड थी यहाँ पर, मक्की की गाड़ियाँ आती थी। कद्दू के क्या रेट चल रहे भाई? 8 दोस्तों 8 रुपये किलो चल रहा, चाहे ये लो चाहे ये लो 8 रुपये किलो। इधर मूली का पूछ के आ, ये मूली ज़रूरी है जी, इधर तो ख़त्म हो गई, बिक गई, क्योंकि लोकल मूली चल गई, लोकल भी है बाहर की। तो अब की बार हिमाचल की आई थी, हर वर्ष इन दिनों में हिमाचल की मूली आती थी। ये सारी हिमाचल की मूली बढ़िया। हाँ जी भाई साहब जी, मूली का क्या बाजार चल रहा जी? 250-300 का पल्ला जी, बढ़िया है, फ्रेश नंबर एक का जी। अच्छा जी, कहाँ गया रही जी ये लोकल वाली? सुमेलपुर जी, लोकल दिल्ली के आसपास के यमुना के इलाकों की मूली है जी, 250-300 रुपए का पल्ला। इधर रखी जी मक्की, मक्की का भी पूछ ले, गड्डी खाली हुई जी यहाँ पर, क्या रेट बिक रही जी यहाँ पर मक्की का, क्या रेट चल रहा है इसका? वो कुछ तो चल रहा होगा, पता तो होगा, है 13 रुपए दोस्तों। भूनने वाली बुट्टा मक्की 13 रुपए किलो, यहीं पर 13 रुपए किलो भूनने वाली मक्की है जी, है स्वीट कॉर्न ही है। और ये जो गाड़ी आती है, ये अपना पुष्कर की गाड़ी आती है राजस्थान की, फूल गोभी है इनमें, पत्ते समीत आती है। ये सारी मंडी है जी यहाँ पर, आप जो मर्जी सामान ले सकते हैं, गाजर मूलिये पेठा कद्दू और सामान भाई साहब भी बेचते हैं जी यहाँ पर, सारे सामान मिलेंगे जी आपको, मक्की भी मिलेगी। वाह जी वाह, तो मूली मूली घर रखी जी सारों ने, लोकल मूली चल गई जी। आदित्य शुक्ला जी, यहाँ क्या घूम रहे जी आप? अच्छा जी, नज़ारे लेने आए। ये आर के एंड कंपनी है, राहुल भाई के बंदे हैं जी यहाँ पर, ये कलेक्शन के लिए आते हैं, इनका काम है जी कलेक्शन इकट्ठी करना जी, आर के एंड कंपनी के आदित्य शुक्ला जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, इसका मतलब मंडी में आज भी जाम है जी। टमाटर की गाड़ी है अब आ रही, फूल गोभी की गाड़ी आ रही, वो भी टमाटर की गाड़ी, ये भी टमाटर की गाड़ी है, फूल गोभी की, मंडी के बाहर आज फिर जाम है जी। ये जो सुबह मैंने दिखाया था वो एक गेट नंबर 2 के जाम था, और इधर ये देखो सारी गाड़ियाँ आ पा रही, जाम की बड़ी बुरी स्थिति है जी यहाँ दिल्ली जादपुर मंडी में। पहले गाड़ी आती थी 6 टहरी, अब आएंगी 18 टहरी, बताओ जितनी बड़ी बड़ी गाड़ी आएंगी, इतना बड़ा लोड पड़ गया है। सारी मंडी है जी यहाँ पर, जो मर्जी लो। यहाँ क्या कर रहे जी आप? आप तो तरबूज के किंग थे जी। नहीं नहीं, हम तरबूज के किंग है, हर सब्जी के किंग है हम। हर सब्जी के किंग है जी। कोई भी सब्जी हो। अच्छा जी। हाँ, हर सब्जी बेचते हैं हम। अच्छा, और आपको तो 12 महीने तरबूज आता है जी? नहीं नहीं, हमारे 6 महीने आता है तरबूज। अच्छा जी, बाकी 6 महीने सब्जी आती है। अच्छा जी, आजकल क्या क्या सब्जी चल रही जी? ये लौकी बिक रही है। हाँ जी, पत्ता गोभी बिक रही है। ये पत्ता गोभी हमारी गर्म हो गई, सड़ गई है। ओहो, ये गर्म हो गई। कहाँ की थी जी ये? ये जी बेलगांव की थी। बेलगांव। हाँ, आपके साथ यही हुआ, बड़े व्यापारियों के साथ यही काम होता है जी। बाकी लोग समझते नहीं जी इस चीज़ को, मंडी में ग्राहक नहीं है। अच्छा, 100-150 रुपए बेच रहा हूँ तो भी नहीं बिक रही है। और जो बढ़िया वाली पत्ता को बिगाज का बाजार क्या चल रहा है? पत्ता गोभी बढ़िया का लगा के 1100 से लेके 900 रुपए। अच्छा जी। हाँ जी। और ये लौकी जी बढ़िया वाली? लौकी बढ़िया, लौकी बिक रही है जी 350 से लेके 250 रुपए। 350 से 250। ये लोकल ही है? नहीं जी। अच्छा जी। अच्छा, हाँ लोकल ही है। अच्छा जी, और इसके अलावा क्या माल आ रहा जी अपने पास? और ये अपने पत्ता गोभी आ रही है, भुट्टा आता था पिछली बार, भुट्टा बंद हो गया। ये जो भूनने वाला जी? हाँ, ये भूनने वाला। अच्छा जी। हाँ जी, खत्म हो गया जी अब वो? हाँ, खत्म हो गया। और तरबूज नहीं आ रहा जी आजकल? हाँ, तरबूज अब नवम्बर से चालू हो गया अपना। अच्छा जी। हाँ जी, चलिए जी। वैसे सारी सब्जी का आप बाहर से काम करते हो जी? हाँ जी, लोकल हो, बाहर का हो, दिसावर का हो, हर काम करते हैं। धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर जी अपना? जी अपना मोबाइल नंबर 98-990-40-362। और आपका शुभ नाम जी? सलीम भाई। सलीम भाई जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लो जी दोस्तों, ये कहे आपने कई बार मेरी वीडियो नहीं जी, बस पियो जी पियो चाय। ना जी ना, चाय नहीं जी, चाय पी के तो एक बार चाय पी लीजो, सारा दिन पसीने भी नहीं रुकेंगे। वाह जी वाह, इधर के इलाके में भी बड़ी बारीकी आ रही जी, मैं तो उधर से ही मोड़ जाता। दोस्तों घूम फिर के सौदा लियो जी, तो सारी मंडी देखने लायक है जी। मैं काफी दिन के बाद चक्कर लगाया यहाँ पर, ये सारी मंडी में घिया ही घिया रखी जी, क्या शानदार घिया, लोकल कट्टों में भी रखी, पनियों में भी रखी, कद्दू भी रखा, सेम फली भी रखी, मूली भी रखी, सारी आठ में रखी जी, बीन भी रखी। वाह जी वाह, शानदार नज़ारा है जी सारा का सारा जी। आहा हा।
देखना पड़ेगा जी इधर, तो ये मेरी तरफ देख रहे, मैं इनकी तरफ जाऊंगा जी। हाँ जी भाई साहब, लोकल है जी, घिया जी है, क्या रेट चल रहा भाई साहब जी लोकल? 200 रुपये पन्नी, बड़ा बंदा है जी ये, 200 रुपये पन्नी। और ये कट्टे वाले का, कट्टे का क्या रेट है जी? कट्टा 150 रुपये। झूठ बोले कौआ काटे ना जी ना, ये वैसे कर रहे जी, डर गए जी कैमरा देख के। राम राम जी बाबू जी, आप तो दूसरे कोने में बेचते थे जी माल वहां पर, यहाँ कहाँ है, कैसे आगे जी? दरी आ गया मैं ये। अच्छा जी, क्या क्या माल बेच रहे जी आजकल? भिंडी, घिया, बैंगन। अच्छा, भिंडी तो लोकल वाली चल रही जी। हाँ जी, आज क्या बेची जी लोकल भिंडी का रेट जी? लोकल कली भिंडी तो बिक रही है 18-20। अच्छा जी, और जो थोड़ी हल्की है वो बिक रही है 15-16। अच्छा जी, और लोकल ये घिया का क्या रेट चल रहा जी? घिया का 250-300। 250-300 रुपये हल्की का, 250-300। बढ़िया का 350-400-450। ये बढ़िया में गिनती आती है, घटिया में जी? ये बढ़िया है, ये 350-350-350। ये कहाँ वाले माल है जी? ये बाहर का है, राजस्थान। अच्छा जी, और जो लोकल यहाँ सोनीपत पानीपत के जी? लोकल ये है अपना, ये बिक रहा 200-250। अच्छा जी, और खीरा नहीं आ रहा जी? खीरा, खीरा नहीं आ रहा। अच्छा जी, और बैंगन का क्या रेट चल रहा जी लोकल? बैंगन, बैंगन 25 रुपये, बढ़िया बैंगन 25-30 तक बिक रहा है। अच्छा जी, गोला बैंगन। आप उधर के कोने से यहाँ बेच रहे जी माल? हाँ जी। धन्यवाद भाई साहब जी। मोबाइल नंबर क्या है जी अपना? 9205053766। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आनंद कुमार। धन्यवाद जी। वाह जी वाह, यहाँ भी बेच रहे जी लोग माल, ये भी बेच रही है सारा मूली गाजर वाला। यहाँ रात को आरती बेचते हैं, दिन में भी कहीं आरती बेचते हैं। ये दिन में 11-12 बजे यहाँ पर जो है दोबारा मंडी लगेगी, जो लोकल हरियाणा के, यूपी के, जो लोकल दिल्ली के आसपास के 100 किलोमीटर तक के माल हैं वो सारे आ जाएंगे 12-1 बजे की मंडी में, फिर वो यहाँ बिकेंगे। अभी जो है यहाँ पर रात को कई बार ये मासे खोर ले लेंगे पूरी की पूरी गाड़ियाँ, फिर यहाँ बेचते हैं। ये ज़्यादा मार्जिन लेते हैं, 98 रुपये किलो का मार्जिन लेके, कई बार इनको घट भी जाते हैं जिस रेट में रात को लेंगे। जैसे आज घिया सारी जगह पड़ी, तो कई बार इनका बंदा जाएगा, ये नहीं है कि इन्होंने जिस रेट ली इसी रेट बिक जाएगा। आज इनका घिया का देखने से लग रहा भी जिस रेट में ली इन्होंने उस रेट में इनकी घिया बिकेगी भी नहीं, ये यहीं से माल लेके यहीं बेचते हैं। एक एक पन्नी, दो दो पन्नी, पूरी गाड़ी ले लेते हैं, कई बार हर चीज़ मिलेगी जी। हाँ, घूमो फिरो सारी मंडी में, जहाँ मर्जी से माल लो जी, सारे बैठे जी। हाँ, बैंगन भी हैं और कद्दू भी है जी, कद्दूओं की लाइन इधर है, ये मोटे वाले लंबे बैंगन है जी। घूम फिरो फिर माल लियो जी, मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ घूमो फिरो फिर माल लो, और घूमो फिरो फिर माल बेचो। वाह जी वाह, ये क्रेटों से पता चल रहा है कि ये लोकल वाली तोरियाँ हैं जी, देखो क्या शानदार तोरियाँ जी। इनका खाने का नज़ारा ही अलग है, जो पन्नी में माल आता है वो अलग है, ये बिल्कुल लोकल टूटी फ्रेश माल है जी, नंबर वन के। क्या कुछ बाजार चल रहा होगा? हाँ जी भाई साहब जी, क्या बाजार चल रहा है जी लोकल वाली तोरियों का जी? इनका जी 15 रुपये जी, 15 रुपये किलो। कहाँ की हैं जी ये लोकल वाली तोरियाँ? बुलंदशहर। तो क्रेट खाली वापसी देनी पड़ेगी जी? और एक क्रेट में वजन कितना है जी इसमें? 18-20 किलो। आप माल बेचते हो यहाँ पर? आरती हो जी, कौन सी दुकान है जी अपनी? एसके सुरेंद्र कुमार। अच्छा अच्छा, एसकेएस, ठीक ठाक, बंटी चौहान, सुरेंद्र चौहान। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। वो आई लव यू टमाटर बेचते हैं दोस्तों, कई बार मैंने दिखाया होगा जो आपको टमाटर बेचते हैं वो वाली दुकान है। चलिए जी, और यहाँ कद्दू भी आ जी, जितनी मर्जी चटनी बनाओ कद्दू खाओ जी। लो जी, एक से एक वरायटी है, मूली गाजर वाला दोस्तों किसान सेट है, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी, बहुत लंबा सेट है जी। साथ में ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, पीछे बिल्डिंग चल रही है, ये सामने दीवार है, ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन है। ये देखो टिकटें कटती हैं, यहाँ पर काउंटर है, आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बराबर के पास में सेट है। आदर्श नगर रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन नहीं, मेट्रो स्टेशन बाहर है, ये आदर्श नगर रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर यहीं पर यह गाड़ियाँ आती हैं, पनीर की गाड़ी, सब्जी की गाड़ी, फ्रूट की गाड़ी, बाहर से गाड़ियाँ आती हैं जो साउथ दिल्ली से आती हैं, जो माल लेके आती हैं, आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पास ये सारा सेट है जी। घूमो फिरो जहाँ मर्जी से सौदा लो जी, घूमो फिरो जहाँ मर्जी बेचो, मेरा काम है खाली रेट दिखाने का, माल दिखाने का, और रेट में भी झूठे रेट हो। हाँ जी मेरे, ये भी ना सच मानियो कि सारे के सारे बिल्कुल सही रेट हैं, कहीं तो इसमें ऐसा झूठ बोल लेंगे भी खाया जाए ना, जैसे अभी अभी जिनसे रेट पूछा होता झूठ बोले कौआ काटे। कोई सही बता देगा जिसके पास माल आएगा,
वो थोड़ा कम बताएगा, जिसके पास माल नहीं आएगा वो थोड़ा ज़्यादा बताएगा, वो ये बताएगा कि मेरे पास माल आ जाएगा झूठ बोल के, जिसके पास ज़्यादा माल आएगा वो घबरा के बताएगा भी बाद में मंदा ने बिक जाए, थोड़ा सा कम बताएगा। घूमो फिरो, जहाँ से बढ़िया माल मिला वहाँ से माल ले लो जी। ये सारा किसान सेट है जी।